यूनियन मिनिस्टर हमारे साथ संजीव बालियान है, मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी हैं और दो बार से यहाँ पर संजीव बालियान मुजफ्फरनगर लोकसभा से लगातार दो बार सांसद रह चुके हैं और पहली बार जब चुने गए थे जनता द्वारा तो सरकार ने मंत्री बनाया था और उसके बाद लगातार जनता के बीच में है और इस समय प्रत्याशी घोषित है। बालियान जी क्या कहना चाहते हैं, क्या मूल मंत्र यहाँ से लेके जा रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अगले 5 साल? बिल्कुल, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, इसमें पूरा देश मोदी जी के साथ। परिवारवाद की जब बात आती है तो विपक्ष आरोप लगाता है कि भाजपा में परिवारवाद नहीं, 7 आदमी MP का चुनाव सपा से लड़ते हैं, हमारे मुजफ्फरनगर में बाप बेटा लड़ रहे हैं, विधायक उनके पिताजी सांसद का, बिजनौर में पिता विधायक है पुत्र सांसद का, इनके पास है ही नहीं। ये तो जिस जनपद स्तर पर परिवारवाद करते हैं वहां भी लखनऊ। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है आपके सामने, पहले तो अजीत चौधरी, आपको लगता है होगा मुकाबला? आपको लगता है कहीं जनता के हिसाब से आपको लगता है कहीं पूरे पश्चिम में मुकाबला दिखाई दे रहा है? कहीं मुकाबला नहीं, कहीं नहीं, सब सीटें भारतीय जनता पार्टी। विरोध क्यों हो रहा है आपका? कल भी ऐसा हुआ था कि आपको क्या लगता है कि जब कोई पत्थर मारता है तो विरोध होता है, वो साजिश होती है। विरोध करना तो वोट से विरोध करेगा, पत्थर मार के करेगा, किसकी साजिश? कोई विरोध पुलिस पता कर रही है, पता करेगी पुलिस। क्या आपको लगता है कि पार्टी में से कुछ है? मुझे नहीं, कुछ नहीं लगता, जो भी है वो पुलिस जांच कर रही है, मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, पुलिस पता करेगी जांच से। मैं तो चाहता हूँ जो शिखंडी है, जो वो शिखंडी है जो युवाओं के कंधों पे रख के बंदूक चला, उस शिखंडी का चेहरा पुलिस सामने लेके आएगी, पुलिस सामने लेके आएगी। हमारे साथ क्या एक बार फिर से, क्योंकि आपकी भी मेहनत रहती है और कार्यकर्ताओं और जनताओं के बीच जाना होता है, क्या मंत्र लेके जाएंगे जो सबको देंगे? जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और जो भी डॉक्टर संजीव बालियान जी ने दिया है, कोई हमारे सामने कोई पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ संजीव बालियान और दिनेश हकीम, जिनका ये कहना है कि जो मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है वो लेकर जाएंगे जनता के बीच में और ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो लोकसभा चुनाव में इनके हिसाब से इनको टक्कर दे सके। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।